तो रास्ता खत्म हो गया और कुछ सामान भरा। ये तो यहाँ पे बास्केटबॉल है और बॉक्स है इतने सारे और वॉशिंग मशीन है और एक क्या नाम था इसका, एक बड़ी सी मशीन है और इससे तो धुआं निकल रहा है ना। चले इस वॉशिंग मशीन को खोल के देते हैं। और ये क्या है, ये तो दरवाजा है, इसके अंदर तो आपके और दरवाजा है। यहाँ पे तो ये तो एक और कमरा है, ये भी बंद है और इस पे एक बिस्तर पड़ा हुआ है। बिस्तर पे भी कोई नहीं है और आसपास भी कोई नहीं है। पता नहीं क्यों ये बाहर का नजारा मुझे नहीं लग रहा, तो चलो फिर देखते हैं जाके। ये क्या, ये तो एक पेंटिंग है और यहाँ पे तो बाहर का रास्ता है, चलो बाहर चलते हैं। और ये क्या, ये तो बहुत बड़ी जगह लग रही है, यहाँ पे तो और भी कमरे है। तो एक जाल है, शायद इस बटन को दबाने से जाल खुल जाएगा। और ये तो सच्ची मुच्ची खुल गया। यहाँ पे तो एक और रास्ता है और यहाँ पे एक कमरा भी है, पता नहीं ये खुल के नहीं रहा। चलो आगे चलते हैं, तो एक और दरवाजा है, चलो आगे चलते हैं। और ये भी रास्ता ही है, अभी तो रास्ता बंद है, चलो किसी और रास्ते से चलते हैं। चलो चले, यहाँ पे तो और भी बहुत से सामान पड़े हुए हैं। मुझे ये अंकल की बेसमेंट नहीं शोरूम लग रहा है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, शायद ये नेबर अंकल ने हमें डराने के लिए रखी हुई है। इसे पकड़ के फेंक देते हैं। अभी तो एक और जाल है, चलो इस जाल को खोले। ये हम एक और कमरे में आ गए और यहाँ पे भी वही जाली पड़ी हुई है। और ये क्या, इस दरवाजे के पीछे तो चेयर थी, मुझे लगता है नेबर अंकल ने ना दरवाजे पे चेयर लगा के ना उन्हें बंद कर दिया। चलो चेयर को पीछे कर दे। यहाँ पे तो एक और जाल है, चलो इसे खोल के देखते हैं। अरे ये बटन दबाने पे नहीं खुल रहा, और लगता है ये यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। फिर चलो बाहर जाना की बाहर जाने से कोशिश करते हैं, बाहर जा पाते हैं कि नहीं। चलो जाली को खोलने का तरीका ढूंढे। और यहाँ पे भी वही वाला जाला है, लगता है इन लोगों को मैं अगर आ सकता हूँ अपने स्तर पे गिर के। अरे यहाँ, अरे हाँ ये तो सच्ची ऊँची गिर गई। गाइस आपको नजर आ रहा होगा इस जाली के पीछे एक मशीन है, इस बटन में एक मशीन है, शायद इसे दबाएंगे तो बाहर जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो हम अंकल के टीवी रूम में आ गए। ये क्या, एक और चेयर से भी फेंक देते हैं। ये तो हम उसी तस्वीर वाले कमरे में आ गए, यहाँ पे तो फ्लैशलाइट पड़ी हुई है, चलो इसे उठा लेते हैं। गाइस यहाँ पे नेबर अंकल ने मुझे पकड़ लिया था, मैं इलेक्ट्रिसिटी बंद कर रहा था दोस्तों और वो टीवी देख रहा था, इसलिए उसे पता लगा कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बंद कर रहा हूँ। अब हमने उसका रिमोट पकड़ लिया था कि वो टीवी ना देखे। चलो इसे फेंक दे। अरे नहीं, यहाँ से तो पकड़ ले का वो, चलो और दूर फेंक देते हैं। मैं जाली को खोलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बंद कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी इस वजह से हम इसे नहीं खोल पा रहे। चलो इसे यहाँ पे फेंक देते हैं ताकि नेबर अंकल इसे ना पकड़ सके। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दूँ और नेबर अंकल इलेक्ट्रिसिटी को फिर से चलाना पड़े। तो देखते हैं वो जाली खुलती है कि नहीं। अरे हाँ वो खुल गई, चलो इस मशीन के बटन को दबा दे। ग्रीन लाइट ऑन हो गई है, मतलब बाहर जाने का रास्ता खुल गया है, इलेक्ट्रिसिटी दोबारा ऑन हो गई। नेबर अंकल के इलेक्ट्रिसिटी बंद करने से हमने बटन दबा दिया, बाहर जाने का रास्ता खुल गया है, चलो बाहर चले। और ये हम कहाँ आ गए, अरे नेबर अंकल यहाँ कैसे आ गए, भागो भागो भागो। सामने एक दरवाजा है, दरवाजा तो बंद है, अब हम क्या करें। नेबर अंकल ने हमें पकड़ लिया, इलेक्ट्रॉन का पाटू पूरा कर लिया। गाइस आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।